तो भाइयों और बहनों, मैं चंपक बोल रहा हूँ और दिवाली 2-3 दिन में आने वाला है और दिवाली पर प्रदूषण रोकने वाले लोगों का जो कैंपेन है वो भी बिल्कुल चरम पर है। आइए थोड़ा इन लोगों से आपका परिचय करवाते हैं जो दिवाली के खिलाफ, पोल्यूशन के खिलाफ आंदोलन करते हैं। हम इनको कहेंगे दिवाली विरोधी गैंग और इनसे थोड़ा आपको हम अवगत कराते हैं। ये सबसे विचित्र प्राणी लोग हैं, विचित्र लोग से आए हैं, विचित्र बातें करते हैं। अभी थोड़ी देर में आप सारी बातें समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। दिल्ली में पोल्यूशन था, हमको बताया गया। अब दिल्ली का पोल्यूशन स्टडी करने के लिए IIT कानपुर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उन्होंने स्टडी किया। इसका रिपोर्ट आप सामने देख सकते हैं। रिपोर्ट से पता चला कि रोड डस्ट 35%, गाड़ियों का जो कंट्रीब्यूशन था 25 से 36% था, घर में जो खाना पकता है डोमेस्टिक कुकिंग उसका 22% कंट्रीब्यूशन था और पावर प्लांट्स वगैरह का 22% था। दिवाली का पोल्यूशन इतना कम था कि रिपोर्ट में उसका नाम तक नहीं आया। खैर, इनमें से बाकी किसी चीज पे बैन नहीं लगा। बैन लगा दिवाली के पटाखों पे, क्यों लगा आगे देखते हैं। ये देखिए, बात वहां से शुरू होता है कि हमारे पार्लियामेंट में जाके और एक केस किया गया कि दिवाली पे पटाखों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। अब ये केस किसने फाइल किया, किसने दायर किया, आप ये देखिए। 2-6 वर्ष के बच्चे, 2-6 महीने के बच्चे अर्जुन गोपाल और आरव भंडारी और एक 14 महीने के बच्चे जोया राव भसीन ने जाके सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। ध्यान दीजिएगा, 2 बच्चे 6 महीने के थे और एक 14 महीने के। अब याद करने की कोशिश कीजिए कि आप जब 6 महीने के थे और 14 महीने के थे तो आप क्या किया करते थे। हमको तो सुप्रीम कोर्ट की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इन लोगों को है भाई। आज के जमाने के नए बच्चे हैं, विचित्र बच्चे हैं, इनको जानकारी है। इनको सुप्रीम कोर्ट पता था, इनको लंग्स पता था, इनको पोल्यूशन पता था, इन्होंने आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ रखा था और इन लोगों ने जाके केस किया और ये केस हमारे जजों ने माना भी कि ये बच्चों ने आके केस किया है। अब इससे आपको जजों की बुद्धिमत्ता का भी परिचय मिल जाना चाहिए थोड़ा सा। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए, काफी कुछ हुआ और फिर ये बवेला निकल गया। अब कुछ लोगों के बारे में देखते हैं जिन्होंने बच्चों को पटाखे फोड़ने से मना करने के लिए कैंपेन चलाया। ये हैं हमारे MP श्री शशि थरूर जी। ये फायरवर्क्स डिस्प्ले, पटाखों का आनंद ले रहे तिरुवनंतपुरम में, और जब दिवाली आता है तो ये बच्चों को मना करना शुरू करते हैं कि आप लोग भाई दिवाली पे पटाखे मत फोड़िए। मतलब इनको पटाखों से कष्ट नहीं है, पटाखों से पोल्यूशन नहीं होता है, जब दिवाली पे पटाखे फूटते हैं तो इनको पोल्यूशन होता है। ये MP है, UN में काम कर चुके हैं और हमारे सबसे शिक्षित स्टेट केरला से MP है, तिरुवनंतपुरम के। विचित्र प्राणी है, जैसा मैंने कहा। एंटी दिवाली गैंग के जितने हैं सभी विचित्र हैं, महाविचित्र हैं। आप समझ नहीं सकते कैसे लोग हैं। आगे देखिए, ये हैं हमारे युवराज सिंह जी। बच्चों, दिवाली पे पटाखे मत फोड़ना, पोल्यूशन फ्री दिवाली, पटाखे हम अपनी शादी पे फोड़ेंगे। ये हैं मिस्टर युवराज सिंह की शादी में पटाखे फूट रहे हैं। मतलब बच्चे पटाखे नहीं फोड़ेंगे भाई, बूढ़े फोड़ेंगे।
बूढ़ों को पूरा हक है, बूढ़े अपनी लाइफ एंजॉय करें, बच्चे जो है चुप रहे। बचपन में हम लोग सीखते आए कि बच्चों को खिलौने से खेलना चाहिए, यहाँ उल्टा है। एनीवे बच्चों, युवराज अंकल की दूसरी शादी में भी आप लोग पटाखे फोड़ना भाई, दिवाली पे मत फोड़ना, और बच्चे नहीं फोड़ेंगे, बूढ़े और बूढ़ी इनके लिए है। खैर आगे बढ़िए। ये हैं आकाश अंकल, आकाश चोपड़ा अंकल, जिसे रन ऑन तो बनता नहीं था, दिवाली पे पटाखे मना करते हैं। ट्राई कीजिए बिना पोल्यूशन के रहने के भाई अंकल जी, आप भी ट्राई कीजिए। तो नहीं जी, हैप्पी न्यू ईयर पे पटाखे से पोल्यूशन नहीं होता है, दिवाली पे पोल्यूशन होता है अंकल जी। आकाश अंकल ने भाई बच्चों को सिखाया। बच्चों और एक आपके विचित्र अंकल हैं, आकाश चोपड़ा है जी, आगे बढ़िए। अब एक गोरे अंकल की बात करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से आए थे, श्रीमान गोरा अंकल, इनका नाम है ह्यू जैकमैन। ये फिल्मों में काम करते हैं, 50 साल के हैं। इन्होंने भारत में आके बच्चों को समझाया कि दिवाली पे आप लोग भाई चुप रहिए। उसके कुछ दिन बाद ये भाई साहब सिडनी गए और इन्होंने 8 टन पटाखों के साथ जो है वहां पे एक प्रोग्राम किया, 8 टन पटाखे, 13,000 शेल्स और 30,000 शूटिंग कॉमेट्स फोड़े भाई। दिवाली पे बच्चे पटाखे फोड़ते हैं तो पोल्यूशन होता है, 50 साल से अधिक के बूढ़े फोड़ते हैं तो पोल्यूशन नहीं होता है। बच्चों को खिलौनों से नहीं खेलना चाहिए, बड़े बच्चों को खेलना चाहिए, जैसे कि गोरे चाचा ह्यू ग्रांट। ये देखिए, लेट्स राइट ऑफ द सिटी ऑफ सिडनी, इंडिया में होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी उन्हीं के कुछ है, पाव वाव कर रहे हैं ये सिडनी में। इंडिया में आके, भारत में आके हमारे बच्चों को दिवाली पे समझा के गए थे, याद रखिएगा इनको। गोरे भी विचित्र होते हैं, ज्यादातर गोरे विचित्र ही होते हैं, आप ध्यान रखिएगा इनका। आगे बढ़िए। अब ये हैं प्रियंका चोपड़ा आंटी। प्रियंका चोपड़ा आंटी ने बच्चों को समझाया कि भाई इनको अस्थमा है, दमा है, इसलिए आप पटाखे मत फोड़िए। बच्चों को समझाया, अपनी शादी पे एक ट्रक पटाखे फोड़े ले आके। सोच लो बच्चों, जो आंटी ने आपको कहा कि आपके आप पटाखे दिवाली पे मरी फोड़िए, जिससे इनको दमा का समस्या है, इनके अस्थमा में समस्या होती है, उन्होंने अपनी शादी में एक ट्रक पटाखे फोड़े, और ये खूब आराम से अपने नन्हे मुन्ने पति के साथ सिगरेट पीते नजर आती है। विचित्र आंटी, इनको ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों से बच्चों दूर रहना, जितना दूर हो सके। आगे बढ़ते हैं। ये है अनुष्का आंटी। अनुष्का आंटी के पास कुत्ते हैं और इनके कुत्ते जो है वो दिवाली पे दुखी हो जाते हैं, कोई बात नहीं। इनके कुत्ते कैलेंडर देख के दिवाली आने वाला होता है तो पहले से दुखी होने लगते हैं। इनके कुत्ते कैलेंडर देखने वाले कुत्ते हैं, पंचांग देखते हैं, दिवाली आ रहा है, धनतेरस आ रहा है, समझते हैं, पहले से दुखी होने लगते हैं। विचित्र आंटी के विचित्र कुत्ते, खैर अलग बात है, आगे बढ़िए। विचित्र आंटी इडन गार्डन्स में पटाखे के बीच में नाचती है। अब क्या कहें भाई, पंचांग देखने वाले कुत्ते और पंचांग देख के दिवाली से घबराने वाले कुत्ते, आंटी अनुष्का के, और आंटी अनुष्का आईपीएल में भाई पटाखों के बीच में नचने वाली नचनिया भी हैं। जैसा हमने कहा, विचित्र हैं, सारे विचित्र हैं। अब आगे देखिए। ये बीजेपी वाले हैं। पहली चीज ये कि ये
इमेज जो आप देख रहे हैं ये 23 तारीख का है, इस साल का, यानी दिवाली से कम 3 दिन पहले का है। तो 3 दिन पहले से अगर हवा की क्वालिटी, एयर क्वालिटी पोल्यूटेड है, तो इसका मतलब है कि दिवाली के कारण नहीं है, क्योंकि दिवाली के पटाखे अभी फूटने को है। मान लीजिए कि आपके कोई अंकल है, उनका नाम केजरीलाल है, और केजरीलाल का पेट थर्सडे को खराब है, तो वो संडे को जो खाने वाले हैं उसके कारण खराब नहीं हो सकता है। खैर जो भी है आगे देखेंगे। ये बीजेपी वाले हैं, पटाखे फोड़ के अपनी खुशियां मनाते हैं पार्टी के जीतने पे। भाई जैसा मैंने कहा, सारा आइडिया ये है कि जो बूढ़े हैं उनको पटाखों से खेलने का अवसर मिलना चाहिए, बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। अब बीजेपी मिनिस्टर जावड़ेकर जी बच्चों को कसम दिला रहे हैं कि भाई तुम पटाखे मत फोड़ो। और श्री दुखवर्धन जी भी हैं, डॉक्टर दुखवर्धन पिछली बार जो है ये थे बीजेपी गवर्नमेंट में स्वास्थ्य मंत्री थे, इनका भी कहना है कि भाई बच्चे पटाखे नहीं फोड़े, बीजेपी वर्कर्स को फोड़ने दे। आगे बढ़िए। बचेंद्री पाल, बचेंद्री पाल जी माउंट एवरेस्ट चढ़ने गई थी। क्यों चढ़ने गई थी भगवान जाने। ये बनारस आई और यहाँ पे सोना तालाब में संत मरीज में जाके इन्होंने सबको फंडे पिलाए कि जी दिवाली में पटाखे नहीं फोड़े, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। पीछे आइए। ये लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी और वहां पे जाके इन लोगों ने इतना गंदा किया, इतना गंदा किया कि वहां पे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो खराब हो गया पूरी तरह से। ये हो गया, मैडम जी अब पटाखे बचा रही हैं। ये लोग हैं हमारे यहाँ एंटी दिवाली गैंग के, और भी हैं, चाहे तो हम और भी ला सकते हैं। तो बच्चों आप सबसे ये गुजारिश है कि खूब पटाखे फोड़िए, और इस किस्म के जो ये अंकल आंटी सब हैं जो जिनका ये मूल मंत्र है कि बच्चे नहीं खेले बूढ़े खेले, इनसे बच के रहिए। उनमें से कोई मिले तो इनके पिछवाड़े एक दो पटाखे भी फोड़ दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।